नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बेदाग, चमकदार, फ्लॉलेस स्किन कौन नहीं चाहता। खासकर महिलाएं अपने स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए ना जाने क्या क्या करती है, कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेना पड़ता है। अब आजकल तो ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जब सालों पहले ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं थे, तब महिलाएं कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखती थी। तो बता दें, उस वक्त महिलाएं आयुर्वेदिक उपटन का सहारा लेती थी, जिसका इस्तेमाल आज आसानी से किया जा सकता है। अब मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर है उपटन, जिसको घर पर बनाया जा सकता है, जो आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। हल्दी और बेसन का उपटन। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे शानदार उपटन हल्दी और बेसन का होता है। ये दोनों ही चीजें लंबे वक्त से अपने गुणों के लिए जानी जाती है। सालों से इसका इस्तेमाल चेहरे पर किया जा रहा है, क्योंकि ये आपके चेहरे के लिए बहुत फायदेमंद है। हल्दी में सूजन रोधी गुण होते हैं, बेसन में एक्सफोलिएटिंग क्षमता होती है, और ये दोनों को जब मिलाया जाता है तो ये एक पावरफुल मिश्रण बन जाता है। पहले की महिलाएं इसका ही इस्तेमाल करती थी, जो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसको लगाने से नेचुरल चमक आपके चेहरे पर आएगी। चंदन और गुलाब की पंखुड़िया का उपटन। चंदन और गुलाब की पंखुड़िया का उपटन सबसे खूबसूरत होता है। खुशबू इसकी जितनी प्यारी होती है, उतना ही ये असरदार होता है। आज भी बहुत से लोग इस उपटन का इस्तेमाल करते हैं। इससे आपकी स्किन सॉफ्ट होगी और पिंपल से भी छुटकारा मिलेगा। इसको घर पर आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए गुलाब की पंखुड़ी और चंदन की लकड़ी के पाउडर को मिलाकर पेस्ट बनाइए और उसे अपने चेहरे पर लगा लीजिए। चंदन और बादाम का उपटन। चंदन और बादाम का उपटन का इस्तेमाल काफी लंबे समय से किया जा रहा है। इनमें प्राकृतिक और लाभकारी गुण होते हैं। जब आप चंदन और बादाम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये सबसे अच्छा उपटन माना जाता है। इस घरेलू बॉडी उपटन को काफी पसंद किया जाता है। ये उपटन चेहरे की अच्छे से देखभाल करता है। इसे बनाने के लिए चंदन और बादाम को पीस लेते हैं और इसमें गुलाब जल मिला लेते हैं। तो ये थे कुछ आयुर्वेदिक उपटन, जिससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आ सकता है। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।